प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो समिति बनाई गई थी सूरजपुर की इस घटना के जांच के लिए, हम सभी लोग वहाँ यहाँ पर आए थे, पीड़िता से मिले। पीड़िता की हालत अभी भी ठीक नहीं है, पूरी तरह से उनको कितनी चोट आई है क्या है उसका चेकअप भी नहीं हो पा रहा है। कुछ स्वेलिंग है, कुछ फ्रैक्चर्स हैं, जब तक कि स्वेलिंग कम नहीं होगी तब तक डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं। टेस्ट हुए हैं पर टेस्ट के रिजल्ट्स आने में अभी समय लगेगा। वहाँ पर जब रिपोर्ट दर्ज कराए थे तो उनके परिवार वालों का कहना है उस समय पीड़िता होश में नहीं थी, तो उनको यही लगा था कि उसके साथ मारपीट हुई है, पर जब वो बच्ची होश में आई है तब उसने बताया कि उसके साथ और भी गलत दुष्कर्म हुए हैं। बच्ची यही बता रही है कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। सामूहिक दुष्कर्म और प्रेम प्रसंग का मामला दो अलग अलग बातें हो जाती हैं। सामूहिक प्रेम प्रसंग नहीं हो सकता है, ये हम सभी जानते हैं। तो हो सकता है किसी एक से उसका प्रेम प्रसंग रहा हो, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, पर इसके बावजूद वहाँ पर सामूहिक दुष्कर्म हुआ है ये बात वो बच्ची कह रही है। पुलिस की कार्य प्रणाली पर मैं यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ यहाँ इसी घटना में नहीं, पूरे प्रदेश में आज के तारीख पर जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, सभी जगह पुलिस अचानक से काम क्यों नहीं कर रही है, ये प्रश्न हमको भी उठाना है, आपको भी उठाना है। पुलिसकर्मी वही हैं जो इसके पहले थे, जनता वही है, फिर बदला क्या है और इस तरह से क्राइम क्यों बढ़ रहा है, ये तो हम सबके लिए बहुत ही सोचने का विषय है।